नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं लर्न फॉर एजुकेशन। आज की कक्षा में समाकलन का अनुप्रयोग करते हुए एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। इसके प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जो कोर्स बी में स्टडी कर रहे हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या फिर कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज होता है, तो अगर कोर्स बी में स्टडी कर रहे हैं और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैं ये हिंदी में इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 16, आप यहाँ कर्सर देख रहे होंगे, प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इलिप्स के एरिया के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, अर्थात अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ए आपका 4 हो जाएगा और बी आपका 3 हो जाएगा, तो इस इलिप्स का एरिया हो जाएगा आपका 12 पाई। और चूंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, चूंकि यहाँ पार्टिकुलर कोई यूनिट दिया नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कर्सर में देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अभी पॉइंट फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो जब एक्स इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म एक्स स्क्वायर बाई 16 जो है आपका 0 हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अगर आप इसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा और वाई इक्वल टू आपका प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो कब होगा प्लस माइनस 3? जब आपका एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका जो होगा 0 3 और 0 माइनस 3। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा टर्म जो है वाई स्क्वायर बाई 9 जो है आपका 0 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा, तो व्हेन एक्स इक्वल टू 4 देन वाई विल बी 0, व्हेन एक्स इक्वल टू -4 देन वाई विल बी 0। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए इसमें ए और बी पर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का कोऑर्डिनेट 4 0 दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ फाइंड आउट भी कर चुके हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू 4 तो वाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ऑफ दैट देर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आप एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो 16 बाई 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 आपका राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका वाई का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वाई विल बी 3। ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्टिकल स्ट्रिप पर कंसिडर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर शेडेड जो दिखा रहा है, ये आपका एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसका विड्थ तो आपका dx है और आपका हाइट जो है y है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन जो दिया हुआ है, इलिप्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आपका एक्स स्क्वायर बाय 16 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा रह जाएगा
वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन। फिर आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर नाइन आ जाएगा, फिर वाई इक्वल टू जब रूट लगा देंगे तो देखिए ये टर्म आ जाएगा, नाइन का रूट थ्री हो जाएगा और वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो ये आपका वाई का वैल्यू है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का जो इक्वेशन दिया था उससे y इंटू डी एक्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब ये देखिए dx का वैल्यू जो है आपका चेंज कर रहा है 0 to 4। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, ये आपका एरिया है y इंटू डी एक्स और आपका डी एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लोअर लिमिट और हायर लिमिट बोलते हैं। ये आपका 0 जो है लोअर लिमिट या निम्न सीमा हो जाएगा और 4 जो है आपका हायर लिमिट या उच्च सीमा हो जाएगा। अब ये आप यदि पूरे ग्राफ पर कंसिडर करते हैं तो जो एरिया आपका इस पार्ट का है, यहाँ पर कर्सर देख रहे होंगे, वही आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, वही आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और वही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इलिप्स जो है आपका 4 इक्वल पार्ट में बट गया है या डिवाइड हो गया है। अगर हम इसमें से किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, अगर अब इस पार्ट पर कंसिडर करें जहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप पर अभी कंसिडर कर रहे थे, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ वाई का वैल्यू पुट अप कर दिए, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट लगा दिए, इसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। ये आपका कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर क्या किया गया है कि 16 जो है एलसीएम लिया गया है, तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 ओवर रूट आ गया है। तो 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है, तो यही यहाँ पर जो कर्सर में देख रहे हैं ये आपका यही 4 है। उसके बाद आपका यहाँ पर बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट और ये डी एक्स और ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसका आपका लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट 4 है। अब दैट यहाँ तक कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ और डाउट को क्लियर करने के लिए इसके लिए ऑनलाइन लाइव क्लास भी अटेंड किया जाता है, आप ऑनलाइन लाइव क्लास में भी जुड़ जाइएगा। तो अगर आप इस पार्ट पर आप सेकंड पार्ट पर यहाँ पर कंसीडर करें 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट इंटू डी एक्स पर यदि कंसीडर करें 16 माइनस एक्स स्क्वायर पर, तो ये आपका फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरह का इंटीग्रेशन इससे पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पुटअप करें तो 3/4 ये आपका देखिए यहाँ आप इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट प्लस 16/2 मतलब ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई 4। ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका हायर लिमिट है। तो होप दैट इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो लिमिट का जब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं तो पहले हायर लिमिट का वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट का वैल्यू पुटअप कर देते हैं।
तो यहाँ पर लिमिट इट मीन्स दैट एक्स के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले एक्स के जगह पर आप 4 पुट कर देते हैं, तो ये आपका 3/4 हो गया, फिर आपका 4/2 तो ये आपका 2 हो गया, फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, फिर ओवर रूट है तो यहाँ पर ओवर रूट लगा दिया गया है, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स यहाँ पर 4/4 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट मतलब 0 एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 पुट अप करेंगे, तो ये आपका 0/2 तो आपका 0/2, अब 0 से किसी भी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ देखिए 0 पुट अप कर दिया गया। फिर प्लस है तो चूंकि यहाँ माइनस रखा जाता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16/2 इक्वल टू आपका 8 हो गया, फिर साइन इनवर्स 0/4 इक्वल टू 0 हो गया। तो हाफ दैट आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे तो 16-16 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, और 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 होता है, और 0 को अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आपका प्लस साइन इनवर्स वन का वैल्यू आपका π/2 होता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन नामक चैप्टर में हम लोग इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये आपका π/2 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 0 है फिर 8, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 8 इंटू π/2 हो गया, और ये आपका 3/4 है, तो 3/4 और ये हो गया 8 इंटू π/2 लगा दिए। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 × 2 = 8 होता है तो ये आपका 8 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ये 3π हो जाएगा, जो यहाँ देखिए 3π लिखा हुआ है। ये 3π क्या है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिप्स का एरिया है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा, तो देख देयरफॉर यहाँ लिख दिया है, देयरफॉर एरिया बॉन्डेड बाय द एलिप्स इक्वल टू 4 × 3π इक्वल टू 12π, स्क्वायर भी लगा सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आपका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ़ यू हैव राइट इन टू द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अटेंड द ऑनलाइन लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन, या फिर जॉइन फॉर एडुकेशन के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप जुड़िएगा, देन एंड देयर आपका जो भी डाउट होगा वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि हम आते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, यहाँ पर भी वही एलिप्स की बात है, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर जो पहले चर्चा किए थे, अगर आप इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 2 है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी का वैल्यू यहाँ 3 है, और एरिया ऑफ द एलिप्स जो होता है आपका होता है पाई ए बी, तो पाई ए का वैल्यू यहाँ 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो पाई मतलब 2 × 3 = 6, इसका आपका आंसर हो जाएगा 6π² यूनिट। ऑफ दैट बट यहाँ तो बोला गया है कि आप समाकलन का अनुप्रयोग कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स का आप यहाँ पर यूज कीजिए और इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल वही करेंगे, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर देख लेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, और जब वाई इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वाई स्क्वायर बाई 9 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा।
तो व्हेन एक्स इक्वल टू टू देन वाई इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस टू देन वाई इक्वल टू जीरो। तो एक तो कोऑर्डिनेट आपका आ गया व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, देखिए एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू टू देन वाई इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस टू देन वाई इक्वल टू जीरो। अभी फिर यदि एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो वाई का वैल्यू आपका प्लस माइनस थ्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू थ्री है, और फिर एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री। इस तरह से हम लोग एक एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे। अब दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सिमिलरली उसी तरह से एक वर्टिकल स्ट्रिप पर कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हाइट आपका वाई है और आपका इसका विड्थ जो है डी एक्स है। डी एक्स का वैल्यू आपका चेंज करेगा जीरो से टू तक, और वाई इंटू डी एक्स जो है आपका एरिया ऑफ द वर्टिकल स्ट्रिप हो जाएगा। अगर इसमें डिफिनिट इंटीग्रल्स आपका मतलब लोअर लिमिट जीरो और हायर लिमिट टू लगा देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एलिप्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यदि उसको फिर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया गया है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ लगा देते हैं वाई इंटू डी एक्स होता है, तो वाई का वैल्यू आपका फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय यहाँ थ्री बाई टू हो गया है। देखिए फोर को एलसीएम लिया गया है तो ये फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, फिर ओवर रूट और ये फोर का स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया गया है तो ये टू हुआ है, तो यही आपका थ्री बाई टू है। एंड ये आपका लोअर लिमिट यहाँ जीरो है और हायर लिमिट आपका टू है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। फिर सिमिलरली जो पहला क्वेश्चन में किए थे फिर उसी तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन यहाँ फाइंड आउट कर दिए हैं। और फिर आपका लास्ट स्टेप में फिर हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट अप कर दिए, बिल्कुल उसी तरह से पहले हायर लिमिट का वैल्यू पुट किए हैं फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट का वैल्यू पुट किए। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ये थ्री बाई टू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तो टू बाई टू इक्वल टू वन हो जाएगा, और फोर माइनस एक्स स्क्वायर अगर टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा और जीरो का स्क्वायर रूट आपका जीरो होता है। जीरो से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो आएगा, तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। फिर यहाँ फोर बाई आपका टू है तो ये टू टू कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ टू होगा, फिर टू बाई टू इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ये टू इंटू पाई बाई टू साइन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाई टू होता है। अब आप यहाँ पर देखते हैं तो फिर आप जीरो का वैल्यू पुटअप करेंगे लोअर लिमिट का तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा और साइन इनवर्स जीरो का भी वैल्यू आपका जीरो होता है तो पूरा टर्म भी आप इधर जीरो हो जाएगा। हायर लिमिट में ये टर्म आपका जीरो हो गया है तो ये केवल यही टर्म यहाँ पर बचा हुआ है, तो आपका फोर बाई टू फिर आपका साइन इनवर्स वन तो पाई बाई टू तो फोर बाई टू तो मतलब ये टू टू कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ टू हो जाएगा तो टू इंटू पाई बाई टू हो गया। बाय मिस्टेक यहाँ पर आपका फोर लिखा गया है तो ये आपका टू है, थ्री बाई टू ये आपका देखिए कैंसल आउट हो जाएगा टू टू तो ये आपका हो जाएगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू फाइव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एलिप्स का एरिया निकल गया। अभी इसको हम लोग फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर इंटू थ्री पाई बाई टू तो सिक्स पाई एच स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पर फोर लिखा गया है, ये आपका थ्री बाय फोर नहीं ये थ्री बाय टू है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं तो बोलता है चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है।
बोलता है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। अभी बोलता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बोल रहा है कि सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखिए आपका सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखिए आपका शेडेड रीजन येलो कलर में जो दिखाया गया है, ये आपका शेडेड रीजन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर बोलता है कि एक्स इक्वल टू 0, तो ये देखिए एक्स इक्वल टू 0, तो एक ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और फिर बोलता है एक्स इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा, इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल के द्वारा जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो मतलब ये इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो आप समझ लीजिए कि सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया होगा वही एरिया यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका सर्कल का ग्राफ भी है, यहाँ पर देख लीजिए आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा। तो अगर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो लिमिट आपका यहाँ से मतलब 0 से लेकर के 2 तक में आएगा। तो इसी में एक वर्टिकल स्ट्रिप पर यदि कंसिडर करें तो जिसका हाइट y हो और विड्थ dx हो, तो y इंटू dx हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी, आपका ओ ए बी का जो एरिया होगा आपका y इंटू dx, और आपका dx का वैल्यू चेंज करेगा 0 से 2 तक। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी वी हैव डन और सॉल्व टू क्वेश्चन, पहले ही हम लोग इसी एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो दिया हुआ है वहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, और वाई इक्वल टू यहाँ पर रूट लग जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका लोअर लिमिट और हायर लिमिट को भी रख दिया गया है। अब इस तरह का जो इंटीग्रेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स बाई टू, फिर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट प्लस भी लिख देते हैं ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, और ये आपका लोअर लिमिट है और ये हायर लिमिट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब हायर लिमिट का वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म आपका बचेगा। ऑलरेडी हम लोग इस तरह से 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अप टू दिस स्टेप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप अटेंड ऑनलाइन लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन, देन एंड देयर यू कैन क्लियर योर डाउट, आप देन एंड देयर उसी समय अपने क्लियर को डाउट कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर लोअर लिमिट का माइनस लगा के लोअर लिमिट का वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 होता है। तो जब आप 0 पुट अप करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 चला जाएगा, और जब 2 पुट अप किए थे तो ये वैल्यू 0 हो गया था, ये कुछ आया था 2/2 तो 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपका होता है π/2। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 हो गया, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 हो गया, 2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो पाई यूनिट। तो मतलब आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था द एरिया बॉन्डेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए पाई कहाँ पर है, तो पाई आपका ए पर है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। आप लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए।
द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू थ्री ईच। एक्चुअली में वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का। ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू थ्री पर जो रीजन बाउंडेड है उसी का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, समाकलन का प्रयोग करते हुए या टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेगल्स। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला जो है उसी का ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का। अभी फिर y इक्वल टू आपका 3 दिया है तो ये y इक्वल टू 3 का है। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप y इक्वल टू यदि आप यहाँ 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 9 बाई 4 हो जाएगा। तो जब आप x इक्वल टू 9 बाई 4 पुट अप करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये निकल गया। अब इसी आपका येलो कलर में जो शेडेड रीजन है इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस कर्व में देखते हैं तो इसका वैल्यू जो है आपका 0 से लेकर के कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो आपका 3 तक चेंज हो रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर 3 डालेंगे। हॉप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन वाई इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, तो एक्स इंटू डी वाई। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से ले लिए हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल स्ट्रिप पर यहाँ पर कंसीडर हो रहा है। अभी यहाँ से हम लोग देखिए एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं तो वाई स्क्वायर बाई फोर, तो यहाँ वाई स्क्वायर बाई फोर इंटू डी वाई हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर इंटेगल्स लगा दिए तो आपका लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट आपका 3 है। इंटीग्रेशन इसका बहुत ईजी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा वाई टू द पावर 3/4 हो यहाँ पर हो जाएगा। ये सबसे पहले तो 1/4 यहाँ लिख दिया गया और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ वाई टू द पावर 3 बाई मिस्टेक यहाँ 2 लिख दिया गया है, वाई टू द पावर 3 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख लीजिए तो जैसे ही लिमिट को यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो पहले 3 पुटअप करेंगे तो ये 1/4 और आपका फिर यहाँ 4 है तो आपका 1/16 हो जाएगा यहाँ पर और 27 हो जाएगा, और 0 पुट अप करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 27/16 हो जाएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये 3 से अगर हम लोग करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा 9/4। सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इंटेगल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटेगल्स पर आधारित ये प्रश्न था, बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए बाई मिस्टेक यहाँ पर देखिए 1/ आपका वाई स्क्वायर बाई 4 एक्चुअली में वाई क्यूब बाई यहाँ पर आप समझ रहे होंगे वाई स्क्वायर बाई 4 कैसे आया, तो ये आपका एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। इसका इंटीग्रेशन जो है आपका वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 हो जाएगा तो 1/12 और ये आपका 27 हो जाएगा। 3 का जब क्यूब करेंगे तो और 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। पूरा कैंसिल आउट करने के बाद आपका 9/4 आ जाएगा। तो ये आपका रिलेवेंट फिगर है इस क्वेश्चन का। तो होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू द स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हैविंग ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा उपयोगी होगा जिनका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हिंदी है उनके लिए ये कक्षा और उपयोगी हो जाएगा। बट जो जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है बट वो अपने किसी भी
सॉल्यूशन को हिंदी में आसानी से समझते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी हो जाएगा। टुगेदर विथ ऐसे ऑडियंस जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी होगा। साथ ही साथ जीमैन और एडवांस का प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये कक्षा उपयोगी होगा। तो हाउ दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू द स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हैविंग ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एज वेल एज ऑडियंस हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स टुगेदर विथ एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीमैन और एडवांस। माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी रिलेटेड टू some more solutions of this exercise. Till then, thanks to all of you. Thank you very much.